व्यूअर्स, आज का टॉपिक है अ डेज वेट, एक दिन का इंतज़ार। ये कहानी है एक फादर और सन के बारे में, जिसमें एक फादर अपने बेटे के बारे में बताता है। सो लेट्स स्टार्ट। ही केम इन टू द रूम, वो कमरे में आया। कौन कमरे में आया? शेज़, यानी कि उसका लड़का। टू शट द विंडोज़, खिड़कियां बंद करने। वाइल वी वर स्टिल इन बेड, जबकि हम बिस्तर में थे। एंड आई सो ही लुक्ड इल, और मैंने देखा कि वो बीमार है। ही वॉज शिवरिंग, वो कांप रहा था। हिज फेस वॉज वाइट, उसका जो चेहरा था वो सफ़ेद था। एज एंड ही वॉकड स्लोली, और वो धीरे धीरे चला। एज दो इट एज्ड टू मूव, मानो के उसको तकलीफ़ हो रही हो चलने में, यानी कि उसका जो शरीर था वो दर्द कर रहा था चलने से। व्हाट्स द मैटर शेज़, क्या हुआ शेज़? आई हैव गॉट ए हेडेक, मेरे सिर में दर्द है। यू बेटर गो बैक टू बेड, तुम्हें दोबारा बिस्तर में चले जाना चाहिए। नो आई एम ऑल राइट, नहीं मैं ठीक हूँ। यू गो टू बेड, नहीं बिस्तर में जाओ। आई विल सी यू व्हेन आई एम ड्रेस्ड, अभी मैं कपड़े पहन लूँ फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। बट व्हेन आई केम डाउन स्टेयर्स, जब मैं नीचे आया, यानी कि जब पिताजी नीचे आए, ही वॉज ड्रेस्ड, ये जो शेज़ था वो पहले ही कपड़े पहने हुए था। सीटिंग बाय द फायर, और आग के पास बैठा हुआ था। लुकिंग अ वेरी सिक, और बहुत बीमार दिखाई दे रहा था। एंड मिजरेबल, और दुखी दिखाई दे रहा था। बॉय ऑफ 9 ईयर्स, 9 साल का लड़का, यानी कि शेज़ की उम्र कितनी थी? 9 साल। व्हेन आई पुट माई हैंड ऑन हिज फोरहेड, जब मैंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा, उसके माथे पर रखा, आई न्यू ही हैड अ फीवर, मुझे पता था उसको बुखार है। यू गो अप टू बेड, आप बिस्तर पर जाओ। आई सेड, मैंने कहा। यू आर सिक, तुम बीमार हो। आई एम ऑल राइट ही सेड, उसने कहा मैं ठीक हूँ। व्हेन द डॉक्टर केम ही टुक द बॉयज टेम्परेचर, जब डॉक्टर आया उसने लड़के का तापमान चेक किया, टेम्परेचर चेक किया। व्हाट इज़ इट, क्या है? आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, यानी कि फादर ने डॉक्टर से पूछा कि कितना टेम्परेचर है। 102, 102। डाउन स्टेयर्स द डॉक्टर लेफ्ट 3 डिफरेंट मेडिसिन इन डिफरेंट कलर्ड कैप्सूल्स, अब नीचे डॉक्टर 3 तरह की दवाइयाँ 3 अलग अलग रंग के कैप्सूल्स में छोड़ गया। विद इंस्ट्रक्शंस फॉर गिविंग देम, निर्देश के साथ, मतलब कौन कौन सी दवाई कब और कितने बजे देनी है। वन वॉज टू ब्रिंग डाउन द फीवर, एक जो दवाई थी वो तो बुखार कम करने की थी। अनदर अ पर्गेटिव, और दूसरी पेट साफ करने की थी। द थर्ड टू ओवरकम एन एसिड कंडीशन, और जो तीसरी थी वो तेजाबियत की दशा को, हालत को कम करने वाली थी। द जर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंजा कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ एसिड कंडीशन, यानी कि जो ज्वर के बुखार के जो विषाणु हैं वो सिर्फ तेजाब वाली हालत में ही पनपते हैं। ही एक्सप्लेन, उसने बताया, यानी कि डॉक्टर ने कहा। ही सीम्ड टू नो ऑल अबाउट इन्फ्लुएंजा, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बुखार के बारे में सब कुछ जानता हो। एंड सेड देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट, और कहा घबराने जैसी कोई बात नहीं है। इट द फीवर, इफ़ द फीवर डिड नॉट गो अबव 104 degrees, यानी कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि बुखार 104 degree से ऊपर नहीं चला जाता। दिस वॉज अ लाइट एपिडेमिक ऑफ फ्लू, ये एक हल्की सी महामारी थी बुखार की। एंड देयर वॉज नो डेंजर, और उसमें कोई ख़तरा नहीं था। इफ़ यू अवॉइडेड निमोनिया, अगर आप फेफड़ों की सूजन से बच जाओ, निमोनिया कहते हैं फेफड़ों की सूजन। ओके, द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स। बैक इन द रूम आई रोट द बॉयज टेम्परेचर, अब जब मैं कमरे में गया मैं दोबारा से लड़के का मैंने टेम्परेचर चेक किया। डाउन एंड मेड अ नोट ऑफ द टाइम, और मैंने टाइम को लिख लिया। टू गिव द वेरियस कैप्सूल, जिस समय पर अलग अलग कैप्सूल्स देने थे। डू यू वॉन्ट मी टू रीड टू यू, तो फादर ने पूछा लड़के से, अपने बेटे से पूछा कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ पढ़कर सुनाऊं? ऑल राइट इफ़ यू वांट टू, ठीक है अगर आप चाहें तो। सेड द बॉय, बॉय ने कहा। हिज फेस वॉज वेरी वाइट, उसका जो चेहरा था बहुत ज़्यादा सफ़ेद था।
एंड देयर वर डार्क एरियाज अंडर हिज आइज, और आँखों के नीचे काली काली जगहें, काले काले घेरे हो गए थे। ही ले स्टिल इन द बेड, वो बेड में शांति से लेटा रहा। एंड सीम्ड वेरी डिटैच्ड, और ऐसा लगा मानो बिल्कुल वो लापरवाह है। फ्रॉम वॉट वॉज गोइंग ऑन, यानी कि आस पास उसके क्या हो रहा है, ठीक है ना, इस चीज़ से वो बिल्कुल बेपरवाह है। आई रेड अलाउड फ्रॉम हाउवर्ड पाइल्स बुक ऑफ पायरेट्स, मैंने उसको किताब में से पढ़कर सुनाया। बट आई कुड सी ही वॉज नॉट फॉलोइंग, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वो समझ नहीं रहा था, वो सुन नहीं रहा था वट आई वॉज रीडिंग, जो मैं पढ़ रहा था। हाउ डू यू फील शेज, अब तुम कैसे महसूस करते हो शेज, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। जस्ट द सेम सो फार, अभी तक तो वैसे ही महसूस कर रहा हूँ जो उससे पहला कर रहा था। ही सेड, उसने कहा। आई सैट एट द फुट ऑफ द बेड एंड रेड टू माई सेल्फ, अब मैं बेड के किनारे बैठ गया और मैं अपने आप पढ़ने लगा। वाइल आई वेटेड फॉर इट टू बी टाइम टू गिव अनदर कैप्सूल, यानी कि मैं अगला कैप्सूल देने तक का इंतज़ार करने लगा, यानी कि तब तक मैं पढ़ता रहा। इट वुड हैव बीन नेचुरल फॉर हिम टू गो टू स्लीप, अब उसके लिए, लड़के के लिए सोना स्वाभाविक था। बट वेन आई लुकड अप ही वॉज लुकिंग एट द फुट ऑफ द बेड, लेकिन जब मैंने नज़र उठा कर देखा तो वो अभी भी बेड के किनारे पर टकटकी लगाकर देख रहा था। लुकिंग वेरी स्ट्रेंजली, बड़े अजीब ढंग से वो देख रहा था। वाई डोंट यू ट्राई टू गो टू स्लीप, तुम सोने की कोशिश क्यों नहीं करते। आई विल वेक यू अप फॉर द मेडिसिन, मैं तुम्हें जगा दूंगा जब मेडिसिन लेने का टाइम होगा। आई'd rather stay awake, मैं जागना पसंद करूंगा, लड़के ने कहा। आफ्टर अ वाइल ही सेड टू मी, कुछ समय बाद लड़के ने मुझसे कहा। यू डोंट हैव टू स्टे इन हियर विद मी पापा इफ इट बॉदर्स यू, पापा आपको मुझे यहाँ मेरे साथ ठहरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कोई परेशानी हो रही है। इट डजंट बॉदर मी, नहीं बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं है। नो आई मीन यू डोंट हैव टू स्टे इफ़ इट्स गोइंग टू बी टू बॉदर यू, नहीं मेरे कहने का मतलब ये है अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आपको यहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं है। आई थॉट परहैप्स ही वॉज अ लाइट हेडेड, अ फादर ने सोचा कि शायद अब लड़का कुछ अच्छा महसूस कर रहा है। एंड आफ्टर गिविंग हिम द प्रिस्क्राइब्ड कैप्सूल, और मैं उसको बताए गए कैप्सूल देने के बाद, एट 11 o'clock, 11 बजे, आई वेंट आउट फॉर अ वाइल, मैं बाहर चला गया थोड़ी देर के लिए। इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे, ये एक चमकीला और ठंडा दिन था। द ग्राउंड कवर्ड वाई विद अ स्लीट दैट हैड फ्रोजन, यानी कि जो ग्राउंड था वो बर्फ़ से ढका हुआ था, जो कि बर्फ जम चुकी थी। इट सीम्ड एज इफ ऑल द बेयर ट्रीज, ऐसा लग रहा था जैसे सारे बिना पत्तों के जो दरख्त हैं, बुशेज हैं, झाड़ियां हैं, कट ब्रश यानी कि अलग अलग दिखती हुई झाड़ियां, एंड ऑल द ग्रास, घास एंड द बेयर ग्राउंड, और जो खाली ग्राउंड है, हैड बीन वर्निश्ड, वर्निश मतलब ढक लिया गया हो विद आइस, यानी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ बर्फ ने ढक लिया हो। आई टुक द यंग आयरिश सेटर, मैं अपने कुत्ते को लेकर फॉर अ वाइल फॉर अ लिटल वॉक, मैं बाहर चला गया टहलने के लिए, अप द रोड एंड अलोंग अ फ्रोजन क्रीक, है ना, सड़क पर, यानी कि फ्रोजन यानी कि जमी हुई एक छोटी सी जो जगह है वहाँ पर मैं अपने कुत्ते को साथ लेकर टहलने निकल गया। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टैंड और वॉक, लेकिन खड़ा होना या फिर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ऑन द ग्लासी सरफेस, उस शीशे जैसे सतह पर, एंड द रेड डॉग स्लिप्ड एंड स्लिदर्ड एंड आई फेल्ट वाइज, और जो मेरा कुत्ता था वो कभी पिसल रहा था, लुढ़क रहा था, और मैं दो बारी गिरा बड़ी बुरी तरीक़ा से, क्योंकि वो जो रास्ता था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फिसलन वाला था। वी फ्लश्ड अ कवी ऑफ क्वेल, हमने एक पक्षियों के झुंड को उड़ाया। अंडर अ हाई क्ले बैंक विद ओवर हैंगिंग ब्रश, यानी कि किनारे मिट्टी के किनारे के पास, ओवर हैंगिंग ब्रश यानी कि लटकती हुई झाड़ू के पास। एंड आई सॉ टू एज दे वेंट आउट ऑफ द साइट ओवर द टॉप ऑफ द बैंक, और मैंने उनमें से देखा जो दो थे वो हमारी आंखों से होजल हो गए, ठीक है ना, यानी कि किनारे के परे, टॉप ऑफ द बैंक। सम ऑफ द कवी हिड इन ट्रीज, और जो कुछ पक्षी थे वो पेड़ में छुप गए। बट मोस्ट ऑफ देम स्कैटर्ड इन टू ब्रश पाइल्स, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो थे झाड़ियों के झुंड में बिखर गए।
At the house, they said the boy had refused to let anyone come into the room. अब जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि लड़के ने सबको अपने रूम में आने से मना कर दिया है. You can't come in, he said. तुम अंदर नहीं आ सकते, उसने कहा. You mustn't get what I have. मैं नहीं चाहता कि मेरी जो बीमारी है तुम्हें लग जाए. आई वेंट अप टू हिम, अब मैं उसके पास गया. एंड फाउंड हिम इन एग्जैक्टली द पोजिशन, और मैंने उसको उसी दशा में पाया. आई हैड लेफ्ट हिम, जिस दशा में मैंने उसको छोड़ा था. वाइट फेस, सफ़ेद चेहरे के साथ, बट विद द टॉप्स ऑफ हिज चीक्स फ्लश्ड बाई द फीवर. अब उसके जो गाल थे वो बुखार की वजह से बिल्कुल लाल हो रहे थे. स्टेयरिंग स्टिल, वो अब भी घूर रहा था. एज ही हैड स्टेयर्ड अब एट द फुट ऑफ द बेड, यानी कि वो बेड के किनारे को घूर रहा था उसी हालत में. आई टुक हिज टेम्परेचर, मैंने उसका तापमान नोट किया. What is it? उसने पूछा कितना है. Something like 100, तकरीबन 100 के आसपास. I said, मैंने कहा. It was 102.4, यानी कि वो कितना था, 102 डिग्री और 1/4. It was a 102, he said. लेकिन 102 है पापा, उसने कहा. Who said so? ऐसा किसने कहा. The doctor, डॉक्टर ने कहा 102. Your temperature is all right, तुम्हारा तापमान ठीक है. I said, मैंने कहा. It's nothing to worry about, घबराने वाली कोई बात नहीं. I don't worry, he said, मुझे चिंता नहीं है. But I can't keep from thinking, लेकिन मैं अपने आप को सोचने से नहीं बचा सकता. Don't think, सोचो मत. I said, मैंने कहा. Just take it easy, हल्के में लो. I am taking easy, मैं तो हल्के में ही ले रहा हूँ इसको. He said and looked straight ahead, उसने कहा और सीधा घूर कर देखने लगा. He was evidently holding tight on to himself about something, यानी कि वो किसी ना किसी चीज़ को लेकर चिंतित था और उसने अपने आप को जकड़ रखा था किसी चीज़ को लेकर. Take this sweet with water, इसको पानी से ले लो. Do you think it will do any good, क्या आपको लगता है इससे कुछ फ़ायदा होगा. Of course it will, हाँ बिल्कुल होगा. I sat down and opened the pirate book, अब मैं बैठ गया और मैंने किताब खोली. And commenced to read, और मैंने पढ़ना शुरू किया. But I could see he was not following, so I stopped. अब मैंने देखा कि वो कुछ सुन ही नहीं रहा, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा, इसलिए मैं रुक गया. About what time do you think I am going to die, आपको क्या लगता है पिताजी मैं कब मरने वाला हूँ. He asked, उसने पूछा. What, क्या. About how long will it be before I die, कितना समय लगेगा मेरे मरने में, मुझे मरने में कितना समय लगेगा. You aren't going to die, तुम नहीं मरने वाले. What's the matter with you, तुम्हें क्या हो गया. Oh yes I am, नहीं मैं मरने वाला हूँ. I heard him say 102, मैंने उसे कहते हुए सुना है 102. People don't die with a fever of 102, लोग 102 बुखार में नहीं मरते. That's a silly way to talk, ये तो मूर्खता वाली बात है, इस तरह की बातें करना तो मूर्खता है. आई नो दे डू, नहीं मैं जानता हूँ लोग मर जाते हैं. एट स्कूल इन फ्रांस द बॉयज़ टोल्ड मी, फ्रांस के स्कूल में लड़कों ने मुझे बताया. यू कांट लिव विद 44 degrees, कि तुम 44 डिग्री से तापमान से अधिक में नहीं जी सकते. आई हैव गोट अ 102, बल्कि मेरा बुखार तो 102 है. He had been waiting to die all day, यानी कि वो सारा दिन मरने का इंतज़ार कर रहा था. Ever since 9 o'clock in the morning, यानी कि सुबह 9 बजे से वो मरने का इंतज़ार कर रहा था. You poor shes, ओ बेचारे शेज, I said, मैंने कहा. Poor old shes, ओ बेचारे शेज, it's like miles and kilometers, ये तो ऐसा है जैसे miles और kilometers में फ़र्क होता है. You aren't going to die, तुम नहीं मरने वाले. That's a different थर्मामीटर, वो अलग तरह का थर्मामीटर है. ऑन दैट थर्मामीटर से 37 इज़ नॉर्मल, उस थर्मामीटर में 37 नॉर्मल होता है, यानी कि फ्रांस वाले थर्मामीटर में 37 नॉर्मल टेम्परेचर है. ऑन दिस काइंड इट्स 98, लेकिन इस वाले टेम्परेचर में, इस वाले थर्मामीटर में 98 नॉर्मल होता है. आर यू श्योर,
क्या आप सच बोलते हो? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आई सेड, मैंने कहा, इट इज़ लाइक माइल्स एंड किलोमीटर्स, ये ऐसा है जैसे कि माइल्स, मील और किलोमीटर्स, यू नो, तुम्हें पता ही है, लाइक हाउ मैनी किलोमीटर्स वी मेक व्हेन वी डू 70 माइल्स इन द कार, तुम्हें पता ही है जब हम 70 मील की दूरी तय करते हैं तो हम कितने किलोमीटर्स तय करते हैं। ओ ही सैड, अच्छा तो ये बात है क्या? बट हिज गेज एट द फुट ऑफ द बेड रिलैक्स्ड स्लोली, अब उसकी जो टकटकी वाली जो नज़र थी बेड के ऊपर वो धीरे धीरे शांत होती गई, ढीली पड़ती गई। द होल्ड ओवर हिमसेल्फ रिलैक्स टू, अब जो चीज़ उसने अपने आप को जकड़ रखा था जिस चीज़ में, वो भी हल्के हल्के ढीली पड़ने लगी। फाइनली एंड द नेक्स्ट डे इट वॉज वेरी स्लैक, और आखिर में अगले दिन वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, ठीक है ना, उसकी जो चिंता थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, ढीली पड़ गई। एंड ही क्राइड वेरी ईजिली, और वो अब आसानी से चिल्लाने लगा, एट लिटिल थिंग्स दैट वर ऑफ नो इम्पोर्टेंस, उन चीज़ों पर जिनको कोई महत्व नहीं था, यानी कि लड़की की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो उसकी गलत फहमी थी, वो दूर हो चुकी थी और वो धीरे धीरे नॉर्मल हो चुका था, और ठीक वो दूसरे बच्चों की तरह बिहेव करने लगा, यानी कि ज़िद्दें करने लगे जैसे छोटे बच्चे करते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।